हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर विद इन अ फ्यू पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट्स आराम से याद हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है, किसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वो सभी रिएक्शन होती है जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज बनता है। हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज बनता है और इन सब की एकदम डिफरेंट या फिर हम कहेंगे न्यू प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए, अगर हमने एक रिएक्शन ली है, जैसे अगर मैं यहां पर बहुत ही सिंपल सा ले लेती हूँ, Mg+O2 ये देता है हमें MgO। ठीक है, इसको मैं अभी ये नंबर्स लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी भी कि ये नंबर्स क्या होते हैं और मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमने दिया है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जबकि इस तरफ जो आता है ना, जो हमारे राइट हैंड साइड पे आता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट वो होता है जो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन बनने के लिए, जो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट वो होता है जिसमें जो है केमिकल सब्सटेंस, नया से केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट हुए, एनजीओ क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, इसे इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन समझने से पहले हम ये बता देते हैं कि केमिकल जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, अभी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहेंगे, हो सकता है कि वहां पर चेंज इन स्टेट हो। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई रिएक्शन होते समय उसकी जो है चेंज स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर मान के चलो, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, H2 जो कि एक गैस होती है, O2 वो भी एक गैस होती है, और जब आप इसका रिएक्शन देखोगे तो इस रिएक्शन में यहाँ पर वॉटर बनता है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि गैस गैस और लिक्विड में हुआ, तो मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हो चुका है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वहां पर हमें ये ऑब्जर्व हो सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि हमें चेंज इन कलर भी हमें स्टडी करना है। चेंज इन कलर, रिएक्शन होते समय कलर भी चेंज हो सकता है, रिएक्शन होते समय कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मान के चलो, मैंने एक ले लिया है, ये AgCl ले लिया, मतलब सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, और अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देती हूँ, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देती हूँ, तब ये क्या बनाता है, Ag बनाता है, और साथ में Cl2 गैस भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो अब देखो, ये जो है, ये जो व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का जो AgCl है, ये टर्न हो जाता है ग्रे में या फिर सिल्वरी कलर में। तो आप देखा, जो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी, कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गैस जो है वो निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है, देखो, ये जैसे कि अगर आपने जिंक के कुछ पीसे लिए और उसको आपने एसिड में डाल दिया है, तो वहां पर रिएक्शन होगी और हमें वहां पर एक गैस रिलीज होते हुए दिखेगी, और वो गैस होगी H2। H2 गैस क्या हो जाएगी, वहां पर रिलीज हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन वहां पे चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर मतलब कैसे, कि वहां पर या तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है या तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है। मतलब वहां पे हम कह सकते हैं
अभी मैं आपको और समझाऊंगी। वैसे तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर मतलब एक्सोथर्मिक भी रिएक्शंस हो सकती है, उसके सबके मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगी, एंड एंडोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकती है, इसका डिटेल में अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है वो है कि हम किस तरीके से व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इसके बाद में अभी हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं जो हमें याद रखना है इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, वो होता है, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं बेटा ताकि आपको ये सभी अच्छे से याद रहे, या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे हम उसको? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है कि जिसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन देखा उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे, देखो जैसे अभी मैग्नीशियम था तो हमने मैग्नीशियम के लिए क्या यूज किया था, Mg, मतलब हमने सिंबल यूज किया। ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या यूज किया, O2, ऑक्सीजन ने यूज किया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमने यूज किया है MgO। अब आप देख सकते हो इस रिएक्शन को जब मैंने लिखा तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ऐसी रिएक्शंस जो बैलेंस्ड नहीं होती है, जैसे ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन, राइट right? हम उसको कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन है, स्केलेटल इक्वेशन हम कहेंगे इसको, है ना। इसको स्केलेटल इक्वेशन क्यों कहा मैंने इसको स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है, हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब हम ये बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन, है ना। बैलेंसिंग हमें इसीलिए करनी चाहिए ताकि हम क्या सेटिस्फाई कर सके, हम सेटिस्फाई कर सके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, ये बताता है मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और इसीलिए हम किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद में ये स्केलेटल इक्वेशन इस तरीके से हम इसको बैलेंस करना भी सीखेंगे, और ये स्केलेटल इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से बैलेंस। अब कैसे बैलेंसिंग होती है ये मैं आपको समझाती हूं, है ना। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना जरूरी होता है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंसिंग हमें करना क्यों जरूरी है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे हम ये पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब देखो मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किस तरीके से करती हूँ, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग ए और बी सी डी के फॉर्मेट में देते हैं, बट हम बैलेंसिंग सबसे इजी तरीके से सीखेंगे, और आपको बट आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम प्रैक्टिस के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लेती हूँ। इक्वेशन में हम लेंगे, हमने एक लिया है आयरन प्लस H2O, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारा आयरन और इसकी रिएक्शन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं क्या करती हूँ इनको डिवाइड कर लेती हूँ टू पार्ट्स में, मतलब इस साइड को जो रिएक्टेंट साइड होती है इसको मैं कह देती हूँ LHS, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको मैं कह देती हूँ RHS, ये हमारे राइट हैंड साइड पे है। अब LHS पे कौन कौन है, देखो आयरन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैं सेम तरीके से यहां पर भी आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर मैं लिख दूंगी,
ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने यहां पर लिख दिया है। अब काउंट करो इस तरफ कितने Fe वन ही है, एक ही दिख रहा है इसलिए मैंने यहां एक लिख दिया। हाइड्रोजन मुझे टू दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे वन दिख रहा है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमने लिखा। अब देखो आयरन यहाँ पे मुझे तीन दिख रहा है, ऑक्सीजन जो है मुझे यहाँ पे फोर दिख रहे हैं और हाइड्रोजन जो है मुझे यहाँ पे टू दिख रहे हैं। अब आप दोनों तरफ देखो, आयरन आयरन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है तो उसको हमें देखना नहीं, बट ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर फोर लिखा हुआ है। ठीक, अब हम बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। अब बैलेंसिंग करने के लिए बेटा आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो कि ये ऑक्सीजन जो लोग किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं उनको पहले बैलेंस कर लिया करो। कैसे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन फोर है तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन फोर है और यहाँ पे ऑक्सीजन वन है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ इसके पास है तो मुझे तो यहाँ फोर लिखना ही पड़ेगा। तो मुझे इस क्वांटिटी को, मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये फोर बन जाएगा। और ये जो हमारा फोर जो है ये हम कहाँ लिखेंगे, देखो ये हम लिखेंगे जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है, मैंने उसके आगे ये फोर लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से समझो हमने किस तरीके से किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर लिखा, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गए, हाइड्रोजन कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो 4 इंटू 2, और जब आप देखते हो तो हम ये हाइड्रोजन अब दो नहीं बचे, ये कितने हो गए हैं 8 हो चुके हैं। मैंने 4 लिखने के बाद देखा और हमारे ऑक्सीजन तो अभी 4 है बट हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को मैं कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 8, और ये वाला 4 अभी जैसे मैंने बताया था ये 4 मुझे किस कहाँ लिखना पड़ेगा, ये मुझे हाइड्रोजन के सामने लिखना पड़ेगा। तो देखो 4 2 8, मतलब आप देख सकते हो जब मैंने इसके इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है 8। ठीक है, अब हमारा आयरन बचा हुआ है बैलेंस करने का, तो हमने इसके लिए मैं कुछ और अलग पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने 3 है और यहाँ पर मैं इसको 3 करने के लिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 लिख लेती हूँ। अब देखो ये हो गया 3, अब ये 3 मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, आयरन के सामने। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो आयरन 3 आयरन 3 आयरन आयरन, ठीक है, एच 8 है और ये एच भी कितना हुआ 8 हुआ, ऑक्सीजन कितना है 4 और ये भी ऑक्सीजन 4 हुआ। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग सीख सकते हैं। इस रिवीजन में मैं आपको सिर्फ एक या दो ही एग्जांपल्स करके बता सकती हूँ, आप सभी बाकी एग्जांपल्स अपने आप से करके देखिए बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सिर्फ आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसको बैलेंस कर सके और फिर वो नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, है ना, हमारा आंसर क्या बन रहा है, हम आंसर लिख लेते हैं और इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। आंसर में बन रहा है कि 3Fe प्लस 4H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, और आप देखोगे दोनों तरफ ये बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा एग्जाम में बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अभी तक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है ये स्पेसिफिकली जो हमारा इसमें स्टडी करना है इसको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखो मैं वन बाय वन आपको यहां समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए ना। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या फिर पॉज करके रखिए और फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम समझ क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो मैं यहां देखने वाली हूं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टूगेदर, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट।
देखो ये जरूरी है, टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, मतलब ए और बी कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो CaO प्लस यहाँ पर हम कहेंगे H2O, ये दोनों मिक्स होकर बनाएंगे यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये भी चेकआउट करना है कि वेदर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, देखो कि यहाँ पर जो है हम इस रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पर देखो ए एंड बी रिएक्टिंग टूगेदर टू फॉर्म सी। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। ओके चलिए अब ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन जो रहेगा हमारा, ये सेकेंड रिएक्शन का नाम होता है डी कंपोजिशन रिएक्शन। डी कंपोजिशन रिएक्शन, डी कंपोजिशन रिएक्शन, डी कंपोजिशन रिएक्शन क्या कहता है, देखो डी कंपोजिशन रिएक्शन ये कहता है, यहाँ पे डी कंपोजिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, वो ये कहता है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इटसेल्फ। सिंगल रिएक्टेंट, डी कंपोजिशन क्या कहता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इटसेल्फ, इटसेल्फ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इटसेल्फ इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इसमें दिया गया है, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है ये एक्सोथर्मिक मानी जाती है। यहाँ पर हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज्ड होती है। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वो क्या होता है, एक रिएक्टेंट अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। मतलब हम कहेंगे कि अगर कोई ए है, अकेला रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट, और या मतलब हम कहेंगे ये एक है, तो ये एक रिएक्टेंट अपने आप को ब्रेक डाउन करके टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब होते हैं कि हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत रहती है इसमें। ठीक है, तो उसे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी दिस डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से थ्री टाइप्स होती है, फर्स्ट जो होता है ये होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, और थर्ड जो होता है वो होता है फोटोलेटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो फोटोलेटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये सभी डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में अभी हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि ये क्या होती है, सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि इन रिएक्शंस मतलब क्या होता है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस मतलब होता है जब हम इस एनर्जी मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इटसेल्फ इनटू टू और मोर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम ये पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है, और ये जो फोटोलाइटिक होता है फोटोलाइटिक में सनलाइट यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CaCO3 ये ब्रेक डाउन करता है अपने आप को CaO और CO2 में। अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी यूज होती है इसीलिए इसको थर्मल रिएक्शन कहते हैं। अगर आप और भी रिएक्शंस देखोगे, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना है, तभी ये जो है टॉपिक अच्छे से कवर होगा। राइट, जैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया है FeSO4। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो, है ना, तो सबसे तो पहले इसके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है, और बेटा आप इसको बैलेंस कर लेना अच्छे से, और अगर बैलेंस नहीं हुआ है तो इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लो,
आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ये कि ये बैलेंस रिएक्शन हुई है, हुई भी है या फिर नहीं। जो जो बैलेंस नहीं है रिएक्शन, आप इसको अपने आप से बैलेंस कर सकते हो, राइट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हमारे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर लिक्विड है, ठीक है, वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड वाटर की, मतलब वाटर की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है H2+O2 में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज किया है। इलेक्ट्रिक करंट हमने यूज करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज करके हमने इसको डिसोसिएट किया है, और इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ सनलाइट की, जैसे हमने इसके पहले भी ये रिएक्शन देखी थी कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या होता है, Ag+Cl2 में जो है इसको डिसोसिएट कर देता है, इसमें हम सनलाइट जो है वो यूज करते हैं, तो इसे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।